बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कल हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिलहाल जारी। सबसे पहले इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि फाइल और हेल्पिंग वर्ब इसमें जो इज आर एम यूज होंगे। इज आर एम इज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिंगल नाउन के लिए, सिंगल जैसे कि ही शी इट, सिंगल प्रोनाउन के लिए या सिंगल नाउन के लिए जैसे कि असलम अली, इनके साथ भी इज इस्तेमाल किया जाएगा। और किसके साथ यूज किया जाता है? जमा के लिए जैसा कि यू वी दे ईटीसी। और एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है और किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल जैसा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और आई के साथ क्या यूज होता है? एम यूज होता है। आई एम गो पहली फॉर्म होती है और पहली फॉर्म के साथ अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये असूल होता है कि इसमें आई एन जी का इजाफा करते हैं। तो गो के साथ आई एन जी लगा दिया है, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल का ऑब्जेक्ट है। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो की खेल रहे हैं, अगर यहाँ पे होता खेल रहा है तो हम क्या लगाते? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बट यहाँ पे क्या है? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जमा आ गया है तो इसलिए हम आर यूज करते हैं और दे आर प्लेइंग। प्ले क्या होता है? खेलना। और यहाँ पे हम आई एन जी का इजाफा कर देते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तुम सेब खा रहे हो, यू आर ईटिंग एप्पल। सिमिलरली आई अली गाना गा रहा है, अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अली गाना गा रहा है। आगे क्या, आगे चलते हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया जाता है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उसके बाद हम नॉट यूज करते हैं और फिर इसके आगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी तरतीब वही होती है जैसे कि तुम सेब नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग एप्पल। अब यहाँ पे देखो यू आर नॉट और क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ इन्होंने नॉट यूज किया है, तुम सेब नहीं खा रहे हो। वो गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वो गाना नहीं गा रही है, ये फीमेल है तो इसके लिए हम शी लगाएंगे। वो गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट। अब इसके साथ इन्होंने क्या यूज किया है? नॉट यूज किया है, सिंगिंग अ सॉन्ग। बाकी तरतीब वही, अहमद चाय नहीं बना रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे अहमद की जगह यहाँ पे अली लिख दिया है, अहमद इज नॉट मेकिंग अ टी। इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल इनका क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको शुरू में ले आएंगे और इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या वो सबक याद कर रहा है? इज ही लर्निंग अ लेसन। क्या वो, अब वो क्या है? ही। और ये क्या, यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको हमने शुरू में लगा दिया है, जो कि किसके तौर पर यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। इज ही लर्निंग अ लेसन। क्या वो सबक याद कर रहा है? क्या वो पानी पी रहा है? इज ही ड्रिंकिंग वाटर। बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, सॉरी बच्चा क्यों रो रहा है? वाई इज चाइल्ड क्राइंग। अब यहाँ पे देखो क्यों यूज हो गया है, तो क्यों, क्यों की जो इंग्लिश है उसको हम शुरू में ले आएंगे वाई और बाकी तरतीब वही रहेगी। वाई इज चाइल्ड क्राइंग। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वाई आर यू नॉट ईटिंग मील। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अब यहाँ पे एक और सेंटेंस बन गया जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या करना है कि वाई की जो क्यों लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर क्या करना है, फिर उस तरह जिस तरह नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं उस तरह बाकी तरतीब भी रखनी है। वाई आर यू, अब ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी बन गया है, तो इसलिए हम सवालिया बनाएंगे और यू के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे, नॉट ईटिंग मील। जैसे इस तरह आप खुद से भी कोई और फिक्र भी बना सकते हैं। सो
मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।